हेलो गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अपने पिछले वीडियो में इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में इसके बारे में। हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है जो कि न्यूमेरिक हो, या फिर कोई वैल्यू हमें असाइन करनी है किसी वेरिएबल के अंदर जो कि स्ट्रिंग टाइप की हो, या फिर ओवरऑल कंकेटनेशन करना है यानी कि दोनों को एड अप करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो जो सामने लिखी हुई वैल्यू है यानी कि राइट साइड में लिखी हुई वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल ए, इसको मैं नाम दे दिया और यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पे दे दिया 10, तो इसका मतलब ये बेसिकली हुआ क्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके अंदर असाइनमेंट क्या चीज है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वल टू का यहाँ पे जो साइन है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड का जो यहाँ पे वेरिएबल है इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये असाइन हो गई, यानी कि ये वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो इसको बोलते हैं असाइन करना वैल्यू। तो असाइन करने का जो काम कर रहा है ये कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए अभी तो ये न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है, अभी इसको हम स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर कर दे तो आगे हम अगर स्ट्रिंग उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग उसके अंदर असाइन हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के हेल्प से अगर बताऊँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग वन इक्वल टू, अब इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ हेलो। तो एक चीज आप ये चीज समझ लीजिए कि जब हम कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जो कि न्यूमेरिक टाइप का है तो उसको हम यहाँ पे कोई इन्वर्टेड वगैरह ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर कुछ ऐसा देने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कोई स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू उसको असाइन करनी है तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू को डिफाइन करना होता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि जब भी कोई आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को यहाँ पे असाइन करें तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रैप्ड कर दें। तो अगर बेसिकली आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है अगर दोनों को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करें तो क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग वन है ये कंटेन करे हेलो 15 या 15, ठीक है, यानी कि ये चीज प्रिंट करे हमारे ब्राउजर पे। तो अभी तो यहाँ पे हेलो है और जो दूसरा है यहाँ पे है 15, ये एक तो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप का है। तो इसको हम कैसे यहाँ पे यानी कि एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये फैसिलिटी है। तो बशर्ते ये चीज ये कंडीशन है यहाँ पे, आप तो यहाँ पे वैल्यू अगर दे देते हैं तो ये सेम ऐसी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अब जो यहाँ पे 15 आया ये न्यूमेरिक नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पे वेरिएबल बन गई है। तो अगर आप इस पे ऑपरेशन कोई परफॉर्म करेंगे जैसे 15 के अंदर अगर 4 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ये करना चाहते हैं कि str प्लस 4, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हेलो और 15 के बाद फिर 4 यहाँ पे ऐड हो के हेलो 19 आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का बन चुका है। अगर यही चीज अगर हम उसके आगे ऐड करेंगे तो 4 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 154 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन जाएगी। तो इस चीज का आप बेसिकली ध्यान दें। तो ये जो हो गया ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो चलिए इसका मैं ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया है इसको हम प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि ये str है, str1 जो स्ट्रिंग टाइप का है, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि इसकी वैल्यू वाकई में वैसे ही आ रही है। गेट एलिमेंट बाय id और यहाँ पे हम id पास कर देंगे डेमो डॉट इनर html यहाँ पे इक्वल टू str1। इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हेलो 15 यहाँ पे साथ में प्रिंट हो गया और ये एज अ स्ट्रिंग है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि जब आप स्ट्रिंग के साथ किसी भी वेरिएबल को अटैच करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन जाएगी, बाद में उस पर ऑपरेशन और परफॉर्म नहीं कर सकते न्यूमेरिकल टाइप का। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।